तस्वीर 2010 की है। इस तस्वीर में कोने में तो केजरीवाल पर इस बार ईडी ने ऐसी मार मारी है दोस्तों, जेल में न सिर्फ केजरीवाल रो रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी पसीने छूट गए हैं। वो कहते हैं ना, चालाकी इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बाद जब केजरीवाल ने चली अपनी मास्टर स्ट्रोक चाल, तो ईडी के पलटवार से सब कुछ हो गया ध्वस्त। तो आखिर क्या थी केजरीवाल की ये गंदी चाल, कैसे ईडी ने कर दिया पलटवार और अब आगे क्या होगा इसका अंजाम, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम चालाकियां दिखाई, लेकिन आखिर में सिर से पैर तक ऐसे फंसे, अपने साथ साथ बड़े बड़े आप नेताओं को भी पानी में ले डूबे। अब ईडी ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फंसाया है कि सीएम साहब जेल में फूट फूट कर रोने लगे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले सबूतों का जखीरा लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में धमाका कर दिया। कोर्ट में पेश किए हलफनामे में आरोप लगाया है ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को साजिशकर्ता बताया। ईडी ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। ईडी ने न सिर्फ शराब घोटाले को केजरीवाल के दिमाग की उपज बताया, बल्कि इसमें शामिल बाकी आप नेताओं के काले चिट्ठे भी खोल दिए। पूरी आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले में आरोपी बता दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में क्या कुछ कहा, तो चलिए ये बताते हैं आपको। ईडी ने हलफनामे में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्यमंत्री षड्यंत्रकारी हैं। हाई कोर्ट इस नतीजे पर ईडी द्वारा पेश तथ्यों और दलीलों पर गौर करने के बाद पहुंचा था। हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह से सही है, क्योंकि केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने में शामिल थी। इस नीति का मसौदा दक्षिण समूह को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और दक्षिण समूह के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था। राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जो अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी थी, उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है। तो ईडी ने कोर्ट के सामने शराब घोटाले के आरोपियों के जरिए 170 फोन तोड़ने की बात भी रखी। एक एक कर सारी परतें खोली गईं। साफ शब्दों में कहा गया, केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में आरोपी है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल तो डूबे ही, आम आदमी पार्टी को भी ले डूबे। अब अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अपराधी बनाती है, आरोपी बनाती है, तो पूरी आम आदमी पार्टी पर केस चलेगा, और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मामले में इलेक्शन कमीशन की एंट्री भी हो सकती है, और चुनाव आयोग न सिर्फ आपकी सदस्यता ऐसे में रद्द कर सकता है बल्कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जब्त कर सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिन केजरीवाल पर भारी पड़ने वाले हैं। और तो और, जिस तरीके से सबूत ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे, उससे तो जाहिर है राहत मिलना मुश्किल है, आपस जरूर बढ़ सकती है। ईडी का डंडा चलते ही अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है, फिर से वही आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाते हुए आप नेताओं ने कहा, ईडी झूठ बोलने वाली मशीन है, वो एक जांच एजेंसी नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक दल की तरफ से काम कर रही है। ईडी के पास दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में एक भी सबूत नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ये सारी साजिश की गई है। अब जरा आप नेताओं से पूछा जाए, अगर सबूत ना होते तो क्या कोर्ट से जमानत न मिलती, क्योंकि कोर्ट साजिश या आरोप प्रत्यारोप पर काम नहीं करता बल्कि सबूतों पर काम करता है, और सबूत देखकर ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था। खैर, आप नेता चिल्लाएं, बिलबिलाएं, कितना भी माहौल बनाएं, एक बात तो साफ है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया है। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जल्दी झटका लग सकता है, क्योंकि सबूत, गवाह सब केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस पूरी अपडेट पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर नई आपत पड़ी है। ईडी अगला ऐसा कदम उठाने की तैयारी में लग गई है जिससे न सिर्फ केजरीवाल की कुर्सी हिल जाएगी बल्कि आम आदमी पार्टी इतिहास बन जाएगी। जल्दी आ सकता है केजरीवाल का काल, आप पार्टी का हो सकता है सफाया। तो आखिर ऐसा कौन सा दांव खेलने जा रही है ईडी, कैसे खुद अपने ही जाल में फंस कर रह जाएंगे केजरीवाल, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब।
आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बनें। तो जेल से निकलने के लिए तड़प रहे हैं केजरीवाल, लेकिन अब ईडी बहुत जल्द शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। और तो और केजरीवाल पर यह आपत 15 मई से पहले आ सकती है। ईडी 15 मई से पहले शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है ईडी। रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट को ड्राफ्ट किए जाने वाला काम अंतिम दौर में है। पुरानी चार्जशीट में शामिल लोगों के अलावा 4 से 5 और नए शामिल हो सकते हैं नाम इसमें। चार्जशीट में के कविता और गोवा के आप कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह का नाम भी हो सकता है। अगर जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाती है तो ये पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो इस मामले में चुनाव आयोग की एंट्री भी हो सकती है और चुनाव आयोग आम आदमी की पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर सकता है। यानी कि हालात बता रहे हैं आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में खत्म हो सकती है और केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच ही केजरीवाल को बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अब सबकी निगाहें ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आकर टिक गई हैं। किस किस के नाम इस चार्जशीट में शामिल होंगे ये बात आम आदमी पार्टी की टेंशन को बढ़ा रही है। वैसे भी केजरीवाल के खिलाफ इसीलिए भी जल्द चार्जशीट आने वाली है क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी को 60 दिन पूरे होने वाले हैं और पूछताछ में ईडी तमाम वो सबूत हासिल कर चुकी है जो शराब घोटाले के आरोपियों की सजा देने के लिए काफी हैं। ईडी के अधिकारियों ने चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा, आम आदमी पार्टी को आरोपी पार्टी के रूप में नामित करना एक महत्वपूर्ण कदम है और उनके पास इसका समर्थन करने के लिए ठोस सबूत भी हैं। बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की पीठ के सामने कहा था, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 70 का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का विचार कर रही है। ये बात ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में तब कही थी जब जज साहब ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि शराब नीति पर सीधे तौर पर लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसोदिया को नहीं, तो ऐसे में एजेंसी ने अभी तक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। कोर्ट इस बात को लेकर पहले ही सख्ती दिखा चुका है, तो ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में आ गई है। जल्द चार्जशीट दाखिल होगी और खुलासा होगा कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे, कितनी रकम कहां से लूटी गई, कहां लगाई गई और कौन कौन लोग इस गोरख धंधे में शामिल थे। जब से चार्जशीट दाखिल होने की खबरों ने जोर पकड़ा है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी घबराई हुई है बल्कि केजरीवाल की रातों की नींद तक उड़ गई है।